उन्होंने 107 करोड़ रुपए की ऑफर ठुकरा दी है कि भाई मैं जो चैनल है इसे ऐसे ही फ्री कोर्सेज करवाऊंगा और फ्री मतलब थोड़े बहुत पैसों में फ्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी वो तो सोच सोच की बात होती है, अगर हम पाकिस्तान में भी ऐसे सोच पैदा कर सके, लोगों की सोच बदले तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों की सोच और इंडिया के लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा फर्क है, इसलिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते ये लोग अशराफिया, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ये लोग सामने आ जाए, सब लोग अवेयर हो जाए, सब लोग एजुकेटेड हो जाए तो होगा कि हमारे इंटरमीडिएट की कोर्सेज 1980s की कोर्सेज हैं और हमारी यूनिवर्सिटी की कोर्सेज जो हम करंटली पढ़ रहे हैं वो मुकाबला करना होगा। सिर्फ ये नहीं कि टांग उठाने कि हम बॉर्डर में टांग ज्यादा टांग उठा ले वो सबसे अच्छा। मैं कहता हूँ मैं ये भाई को गले मिलने का दिल कर रहा है और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि फिजिक्स के लेक्चर्स लेता रहा हूँ, उसके बाद में जो इंटरनेशनल एक ऑनलाइन फ्री इंस्टीट्यूट है खान्स एकेडमी, जहाँ बहुत सुपर्स शायद वही उसी की आप उसी की उन्हीं की बात कर रहे हैं खान्स एकेडमी और खान्स, वहाँ से मैंने सेटी टेस्ट की तैयारी की है, 10 प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ से मैंने अटेम्प्ट किए, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो प्लेटफॉर्म है। वो उसकी कोई फीस है या फ्री? अगर आप चैनल शुरू करना चाहें करना चाहते हैं मैं आपको 100% सपोर्ट कर सकता हूं स्टार्ट में, 100% आपको फाइनेंशियली या किसी भी किस्म की आपको जरूरत चाहिए हो। पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और हम आज तक क्लाशनकोप तोप टैंक और F-16 B-52 में पड़े हुए हैं। तीन जंगें हो चुकी है और तीनों पाकिस्तान हार चुके हैं, जंग में तो कोई बात ही नहीं, वो अलग बात है कि हमारी तारीख हमें ये पढ़ाती है कि हमने। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही यूनिक होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से और पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे खान सर की जिनका एक एजुकेशनल चैनल है और रिसेंटली एक पोस्ट मेरे सामने से गुजरी है जिनमें उन्होंने 107 करोड़ की ऑफर ठुकरा दी है सिर्फ इस वजह से कि वो यूथ को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। उन्होंने ये बोला है एक इंटरव्यू में कि मेरा मिशन है कि उनकी वजह से जितने ज़्यादा लोग एजुकेशन हासिल कर सकें वो उनके लिए बेहतर है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करूंगा कि वो खान सर के हवाले से जानते हैं या नहीं या क्या जानते हैं, और सेकेंडली पाकिस्तान में भी ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के दौर में फ्री एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन की क्या वैल्यू है, ये इन सब बातों पर बात करेंगे पाकिस्तान के स्टूडेंट से। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है खान सर के हवाले से और ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सलमान हैदर। क्या करते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूँ GCU लाहौर से। GCU लाहौर पॉलिटिकल साइंस, और बिलोंग कहाँ से करते हैं? लाहौर से। स्वात से बिलोंग करते हैं। स्वात से बिलोंग करते हैं। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है आज के दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है इंटरनेट का दौर है ये बताएं। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से आजकल फिज़िकल एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन पे है। ऑनलाइन एजुकेशन पूरी दुनिया में आजकल तकरीबन फिज़िकल एजुकेशन से ज़्यादा है, बल्कि ज़्यादातर डिग्रीज लोग ऑनलाइन ही करते हैं। ऑनलाइन करते हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन है, ख़ासतौर पे फ्री एजुकेशन की अगर बात करें तो फ्री एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे का और हर सिटीज़न का वो फ्री उसका हक होता है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि इसलिए नहीं है कि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और दूसरी तरफ आपको लगता है ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन के हमारे पास फैसिलिटीज़ वो नहीं है। IT सेक्शन में पाकिस्तान उतनी तरक्की नहीं कर चुका अब तक, IT में हम पीछे रह चुके हैं, तो इसलिए इंटरनेट सर्विस नहीं है कई इलाकों में। इंटरनेट सर्विस तो दूर की बात, बाज़ इलाकों में तो आज तक बिजली की सहूलियत भी नहीं है, तो इंटरनेट तो दूर की बात है। इंडिया की बात करें IT के हवाले से आपने बात की, वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है। वहाँ के एक टीचर हैं खान सर के नाम से जिनका YouTube चैनल है, शायद आपको पता हो, आपने कभी सुना या कभी देखा है? जी मैंने देखा है, बहुत सारों को मैंने देखा है। इसकी मेन वजह ये है कि 1980 का जो डिकेड था उस पे जब हम जिहाद और इस्लामाइजेशन पे फोकस कर रहे थे, उस पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तब इंडिया वालों ने IT पे इन्वेस्टमेंट की थी, इसलिए आज वो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन इंडियन ओरिजिन है, और हम मल्टीनेशनल कंपनी देख ले। हाँ जी, तो वो आजकल हमारे IT में हमसे बहुत बल्कि दुनिया में सबसे आगे है।
अच्छा जिन टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, खान सर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक तो फ्री एजुकेशन देते हैं और पूरे इंडिया में बहुत फेमस हैं, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग मुझे अब पता चल रहा है कि उन्हें सुनते हैं, उन्हें देखते हैं। उन्होंने 107 करोड़ रुपए की ऑफर ठुकरा दी है कि भाई मैं जो चैनल है इसे ऐसे ही फ्री कोर्सेज करवाऊंगा और फ्री मतलब थोड़े बहुत पैसों में फ्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी वो तो सोच सोच की बात होती है, अगर हम पाकिस्तान में भी ऐसे सोच पैदा कर सके, लोगों की सोच बदले, तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों की सोच और इंडिया के लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसलिए क्या फ़र्क है, मतलब वो इंसान है हम भी, वो पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, पाकिस्तान में लोग निगेटिविटी की तरफ। मैं ये नहीं कर रहा पाकिस्तान पे, मैं मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड बन चुका है कि यहाँ पॉजिटिविटी कंस्ट्रक्टिव माइंड वो नहीं है। हमारे माइंड सेट को चेंज करना होगा। अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएं तो पाकिस्तान में भी मुमकिन है सब कुछ। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री भी जानते होंगे, 1947 की बात करें, हम सब इकट्ठे थे, मतलब हमारे जो बड़े हैं इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं सब इकट्ठे थे। आपने बोला इंडिया वालों की सोच में बड़ा फर्क है, हमारी सोच में बहुत फर्क है, वो फर्क कहाँ पे आके बना, कैसे बना? एजुकेशन के थ्रू, उनकी लीडरशिप के थ्रू, उनके पॉलिटिशियंस के थ्रू, या फिर उनकी पब्लिक ने खुद अपने आप को अवेयर किया, डेवलप किया? देखिए, हम इल्ज़ाम किसी एक बंदे को आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे लीडर्स की गलती है। लीडर्स की भी गलती है, लेकिन हमारे अवाम की भी गलती है। उनमें शऊर नहीं है, अवाम को खुद को पहले अवेयर करना होगा, इसके बाद ऐसे लीडर्स को चुनना होगा जो लोगों के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, उनकी तरक्की की सोचें। ये नहीं कि सिर्फ आपको एक्सट्रीमिस्ट बनाए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे आपसे लगवाए, जस्ट आपसे वोट लेके वो फिर गायब हो जाएं। आप कभी कश्मीर के नाम पे वोट लें, कभी मजहब कश्मीर के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, तो कभी क्या कहते हैं इस्लामाइजेशन, इंडिया हमारा दुश्मन है, ख़त्म नबूवत और ये वो और तौहीन रिसालत और ये, हम इसमें आज तक इसमें उलझे हुए। अगर हम इन चीज़ों से ख़ुद को निकाल कर पॉजिटिविटी की तरफ निकल जाएं, एजुकेशन की तरफ आएं, इंडिया से तो हम इंडिया क्या, हम अमेरिका सबको पीछे छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसको बरवक्त और सही जगह पर इस्तेमाल अब तक नहीं की गई। बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करते हुए, यूथ हैं और काफ़ी थोड़ी सी हट के सोच रखते हैं, इसलिए थोड़ी सी बात इनसे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि पाकिस्तान में ये सोच है और वहाँ पे ये सोच है, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमने भी तो सोच बदलनी है ना। आपने बोला पब्लिक में हम भी आते हैं। जी उसमें हम भी आते हैं। पहली काम जो हमने करना है इंडिविजुअली सोच को बदलना है, इसके बाद अपनी सोच को बदल के, जैसे मैं अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, कल को मैं भी इन्हीं लीडरों में से एक लीडर मैं भी हो सकता हूँ। तो अगर इधर से मैं अपनी सोच बदल लूँ तो कल मैं बहुत सारे लोगों को मतलब बदल सकता हूँ पाकिस्तान को, मैं पूरी कौम को मैं ट्रेंड कर सकता। ये वो विजन है, ये वो पैशन है जिसे हम लेके चल रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं एक हूँ, ऐसे एक है, कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं सोच रखते हैं, कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि यार एजुकेशन के ऊपर वर्क करना है, हेल्थ के ऊपर वर्क करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, इंटरनेशनल रिलेशन अपने बेहतर करने हैं, बजाय हम नारे लगाएं, और नारे भी सिर्फ नारे, प्रैक्टिकल ही नहीं होता। सिर्फ हमें फौज और हथियार की ज़रूरत नहीं है, हमें एजुकेशन, हेल्थ, आईटी और हमें तरक्की की सोचना है। मतलब आजकल पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, और हम आज तक क्लाशनकोप, तोप, टैंक और F-16 B-52 में पड़े हुए हैं। इसका कसूर किसका है, इसमें कसूर किसका है कि पब्लिक को अवेयर नहीं आ रही, अवेयरनेस नहीं आ रही? मैं ज़्यादातर जो कसूर है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और लीडर्स को ही दूंगा, और पब्लिक का कसूर आवाम को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। आवाम में चूँकि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन उन्होंने दिया नहीं है, तो आवाम बेशऊर है और वो उन लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो एक चीज़ इसमें ये भी देखी जाती है, जब आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग थोड़ा सा पाकिस्तान की वाकई में बेहतरी के लिए बात करते हैं, तो उन्हें ये कह दिया जाता है ये देखो ये कैसी बात कर रहा है, ये करने नहीं दिया जाता, टैग लगा दिया जाता है। जैसे अब आपने ये बोला, गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं, एंटी पाकिस्तान कहा जाता है, रा का एजेंट है, मुसाद का एजेंट है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते ये लोग अशराफिया, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ये लोग सामने आ जाए, सब लोग अवेयर हो जाए, सब लोग एजुकेटेड हो जाए, तो फिर हमारी ये हुक्मरानी है और हमारा ये जो रेट कायम है, हमारा जो दाग बैठा हुआ है, ये तो फिर ख़त्म हो जाएगा। यही वो बातें हैं, और ये अब
सोशल मीडिया के आने से लोगों में अवेयरनेस आ रही है। आज ये एक भाई मुझे मिला है, ऐसे महीने में शायद मैं डेली में 2 प्रोग्राम करता हूँ और महीने में मुझे 10-15 लोग ऐसे मिलते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि 10-15 लोग जब आगे बढ़ेंगे, सोच आगे बढ़ाएंगे अपने इर्द गिर्द को, हमें ये इर्द गिर्द को भी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल 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 है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से जो हमारा टॉपिक था उस पर दोबारा आते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। क्या हमें करना चाहिए कि हम ऑनलाइन, देखें बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हम ये कहते हैं जी अभी पाकिस्तान, जैसे अगर ऑयल की कीमत है, हम कहें नहीं जी वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम ऑयल अभी ले नहीं सकते, सस्ता कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, समझ में आती है। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आपको लगता है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी जो अभी नहीं कर सकते हम? जी जी वो हो सकती है। देखें अगर हमारे पास IT होगी, हमारे पास रिसोर्सेज ऑलरेडी है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उसको अगर सही जगह पर सही वक्त पे इस्तेमाल किया जाए तो बहुत तरक्की हम कर सकते हैं। मतलब ये जो एजुकेशन, देखिए हम अगर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, उस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो एक अगर ऐसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हो, ऑनलाइन कॉलेज हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, तो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब इजीली उस पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं होगा और फ़ायदा जी जी बिल्कुल और फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। ये देखें बड़ी आसान चीज़ें हैं, आप सिर्फ मैनेज नहीं कर रहे, बुरी लगती होंगी बातें लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जो हमारे अदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, मैनेज नहीं कर रही, हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा ध्यान उसे चोर इसे चोर कहने में है। लेकिन आजकल यूथ मोबाइल्स बहुत महंगे खरीद रहे, iPhone 13 खरीद रहे, लैपटॉप्स खरीद रहे, स्मार्ट वॉच खरीद रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे हैं, लेकिन ये अगर ये पैसे, ये इन्वेस्टमेंट हम ऑनलाइन एजुकेशन IT वगैरह पर कर लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम टॉपिक जो कर रहे हैं वो वैसे तो इंडिविजुअल के ऊपर कर रहे हैं कि खान सर के हवाले से कि भाई इतना बड़ा उन्होंने दुनिया का एक एजुकेटेड बड़ा एजुकेशन के हवाले से चैनल बनाया और फ्री एजुकेशन के हवाले से, लेकिन जब देखा जाए पाकिस्तान में भी शायद कुछ लोग होंगे जो करना चाहते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, प्लेटफॉर्म्स उनको मतलब मौका फराहम नहीं किया जाता, इसलिए हम पीछे। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है आने वाले टाइम में पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान की सोच को बदलने के लिए और लोगों में ये जो जज्बाती और जुनूनी तौर पे हम इमोशनल, सबसे पहले बात जो मैं कहूँगा, एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना होगा, रेशनलाइजेशन, अपनी सोच को रेशनल बनाना होगा, लॉजिकली सोचना होगा, रेशनल बनना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव्स दोनों देखने होंगे कि अगर ये बंदा ये बात कर रहा है तो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, पसी पर्दा भी कुछ है, उसी पसी पर्दे को जानकर मतलब हम लॉजिकली और क्रिटिकली सोच रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने कभी ऑनलाइन कोई कोर्स किया हो, कोई एजुकेशन कोई भी ऐसा आपने हासिल की हो? ऑनलाइन मैंने 1-2 कोर्स शायद किए हुए हैं जी। कहाँ से किए, पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट था या इंटरनेशनल? एक इंटरनेशनल। जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हम यहाँ पे बैठे हमारे स्टूडेंट उन्हें फायदा दे सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा इंस्टीट्यूट बन सकता? और ऐसी सोच मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिलीव मी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल बनाए, आप इस तरह का इंस्टीट्यूट ऑनलाइन बनाए, आप नो डाउट के स्ट्रगल होगी, एफर्ट होगी, लेकिन आपकी वजह से अगर 10 लोगों की भी सोच बदलेगी तो मैं समझूंगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। यार मैं आपके चैनल को मतलब ये मैं वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, मैं आपके आप अगर चैनल बनाना चाहें मैं आपको A to Z गाइड भी कर सकता हूँ, आपको A to Z फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकता हूँ, ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा लास्ट में ये बता दें हमें, जो नेबर कंट्री है इंडिया है, अगर उनकी कोई बेहतर पॉलिसी है खासतौर पर ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से या फॉरेन रिलेशन के हवाले से, वो सीखने की जरूरत है या नहीं? ज्यादा पॉलिसी, बहुत ज्यादा फायदे है। अगर हम देखें दुनिया को तो स्टेट्स हैव इंटरेस्ट नॉट रिलीजन, हर कोई स्टेट जो है वो अपने फ़ायदे को देखता है, पाकिस्तान अपने फ़ायदे को नहीं देखता। हमने देखे हमारे चार हमसाय हम माजरत के साथ हम रिलीजन को भी नहीं देखते, हम रिलीजन को भी नहीं देखते, बस चंद लोग चंद अशराफिया के फ़ायदे के लिए। एवरी मतलब हर मुल्क अपने हमसायों से बेहतरीन ताल्लुक इस्तवार करने की कोशिश, बगैर आगे बढ़ पाकिस्तान के एक भी हमसाय के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। कहा ये जाता है चाइना के साथ ठीक है, लेकिन अभी चाइना की एम्बेसी भी बंद है टेम्परेरी, चाइना के साथ भी वो भी ठीक नहीं है, वो भी हमें यूज कर रहे हैं। अगर हम ऐसे खुद को बना ले, रेशनल खुद को बना ले कि हम सबके साथ दोस्ती करेंगे, अगर इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हमारा तो मिशन, हमारा हमारी दोस्ती हो जाए तो हमें बहुत सारा फायदा। आज पाकिस्तान में जितनी महंगाई है, अगर उनके साथ हमारी ट्रेड रिलेशन वो बहुत अच्छे होते तो आज पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती। उनसे हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें वो दरामद कर सकते हैं जो हम बाकी ममालिक से दरामद करते हैं, इंपोर्ट करते हैं,
तो वो हमें बहुत सस्ते कीमतों में हमें मुहैया कर सकते हैं, ज्यादा फायदा किसे है, ज्यादा टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, वो भी हमारे मुल्क को आगे ले जाने में वो बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने मिस किया, हमारा डिफेंस का बजट कितना कम हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें तो ये डराया जाता है, बताया जाता है, सिर्फ हमें सिर्फ औजार और हथियार की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एमुनेशन और इन चीज़ों की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, हमें अगर आगे बढ़ना है, हमने अगर मुकाबला करना है तो हमें आईटी में करना होगा, हमें एजुकेशन में करना होगा, हमें रिसर्च में करना होगा, हमें एग्रीकल्चर में करना होगा, हमें बाकी साइंस और रिसर्च, हमें लोगों को मतलब लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स, हमें अदब में उनके साथ मुकाबला करना होगा। सिर्फ ये नहीं कि टांग उठाने कि हम बॉर्डर में टांग ज्यादा टांग उठा ले वो सबसे अच्छा। मैं कहता हूँ, मैं ये भाई को गले मिलने का दिल कर रहा है, और मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसी सोच अगर पाकिस्तान की यूथ की होगी डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे। और मुकाबला करो, मैं खुद कहता हूँ, मैं बहुत सी वीडियोज इंडिया के हवाले से बनाता हूँ, मैं अभी इंडिया के व्यूअर्स के सामने कह रहा हूँ कि हमें इंडिया से मुकाबला करना चाहिए प्रोडक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में, हेल्थी कॉम्पिटिशन करना चाहिए एजुकेशन में। सिर्फ ये नहीं कि हम उनके साथ सिर्फ क्रिकेट में मुकाबला करते हैं, और वो भी अक्सर हम हार ही जाते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी लोग हैं तो वो समझते हैं कि हमारी टीम बेहतरीन है, लेकिन अगर देखा जाए तारीख में तो क्रिकेट में भी वो हमसे आगे हैं। चलो जंग की बात करें, वहाँ पे सिर्फ तीन जंगे हो चुकी है और तीनों पाकिस्तान हार चुके हैं, जंग में तो कोई बात ही नहीं, वो अलग बात है कि हमारी तारीख हमें ये पढ़ाती है कि हमने जीता है, लेकिन जंग कोई जीतता भी नहीं है। अगर जंग में कोई जीत नहीं होती, सिर्फ नुकसान ही होता है, लेकिन अगर हम देख ले तो हम सबसे ज्यादा नुकसान हमारी हो चुकी, बांग्लादेश हमारे से हुआ, बांग्लादेश हमारे बाद उनको आज़ादी मिले, आज उनको देख ले, उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट देख ले, पूरी एशिया में उनकी ज्यादा है, और पाकिस्तान की देख ले वो निगेटिव में जा रहे हैं, क्यों इसको सोचना सोचने हो। वाली बात है, टॉपिक बहुत ज्यादा मतलब वीडियो लेंथी हो रही है, भाई भी जो उनसे शायद थके होंगे अभी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं अपने, लेकिन लास्ट में मैं फिर आपको यही कहूंगा, अगर आप चैनल शुरू करना चाहें, करना चाहते हैं, मैं आपको 100% सपोर्ट कर सकता हूँ, स्टार्ट में 100% आपको फाइनेंशियली या किसी भी किस्म की आपको जरूरत चाहिए होगी तो हम हेल्प करेंगे, और ये मैं ऑन एयर मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मोहम्मद इसाक। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। क्या पढ़ रहे हैं आप? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपका नाम? नज़ीर अहमद। आप क्या पढ़ रहे हैं? बीएस इकोनॉमिक्स। बीएस इकोनॉमिक्स, टॉपिक भी मेरा एजुकेशन के हवाले से है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, यानी कि बहुत से दुनिया में ऐसे कंट्रीज हैं, नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को, अपने पब्लिक को वो एजुकेशन देते हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में भी ऑनलाइन एजुकेशन उस तरीके से है? पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ मुख्तलिफ सूबे हैं, जिनसे आप बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक है, आप बलूचिस्तान को देखेंगे, मेजॉरिटी पार्ट्स आप वज़ीरिस्तान के देखेंगे, आप केपी के देखेंगे, जहाँ नेट के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज़ हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहाँ लाहौर में शायद आपको इस चीज़ में मसला नहीं, बल्कि होना भी नहीं चाहिए कि आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑन कैंपस पढ़ें, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है उन इलाकों का या उन प्रोविंसेस का जहाँ नेट के इश्यूज़ है, बिजली का इश्यूज़ है, वहाँ आप नहीं इस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन आती है पाकिस्तान में तो बहुत से ऐसे लोग हैं, ख़ासतौर पे लड़कियां हैं, फीमेल एजुकेशन की अगर बात करें, वुमेन एजुकेशन की बात करें, तो वो भी एजुकेशन हासिल कर पाएंगी? ये एक अच्छा मोटिव साबित हो सकता है वुमेंस के लिए, वो जो औरतें हैं या वो जो लड़कियाँ हैं जो घरों से नहीं निकलती, या उनके जो हमारे यहाँ इस्लामिक कल्चर के हवाले से कि वो बापर्दा रहना चाहती हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी और अच्छी मोटिव हो सकती है, साबित हो सकती है। बिल्कुल, इंडिया के एक मुसलमान टीचर हैं खान सर, आप क्या उनका नाम आपने सुना है, यूट्यूब चैनल है काफ़ी, आप पहले तो ये बताएं कि आपने नाम सुना है? कि मैं बहुत से प्रोफेसर से लेक्चर लेता रहा हूँ। कौन कौन से, कोई नाम? लेकिन सर इंटरमीडिएट में मैं कुलदीप से और एक दूसरा था केमिस्ट्री का, मैं नाम अभी भूल गया, उनसे मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर्स लेता रहा हूँ। उसके बाद मैं जो इंटरनेशनल एक ऑनलाइन फ्री इंस्टीट्यूट है खान अकेडमी, जहाँ बहुत सुपर्स, शायद वही उसी की आप उसी की उन्हीं की बात कर रहे हैं, खान अकेडमी और खान, वहाँ से मैंने सेटी टेस्ट की तैयारी की है, 10 प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ से मैंने अटेम्प्ट किए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो प्लेटफॉर्म है। वो उसकी कोई फीस है या फ्री की है? नहीं, खान अकेडमी बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर आप मुख्तलिफ कोर्सेज फिज़िक्स रिलेटेड, यानी जो भी एकेडमिक्स है और नॉन एकेडमिक, बहुत सारी कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है। बड़ा मुझे हैरत भी हुई है ये बात जान के, मुझे इस चीज़ का इससे पहले नहीं आइडिया था, ये तो मुझे आइडिया था
के मतलब क्या नाम लेते हैं कि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन तैयारी करते हैं या थोड़ा बहुत रिसर्च के लिए वो इंडिया के चैनल्स देखते हैं, लेकिन प्रॉपर तौर पे अगर किसी टेस्ट की तैयारी की जा रही है और वो भी खान अकेडमी, शायद वही खान सर की अकेडमी है, तो क्या आप समझते हैं? अब अच्छा, अब अगली बात बताता हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए 107 करोड़ की ऑफर जो है रिजेक्ट कर दी है कि भाई हम, मैं इन्हें फ्री एजुकेशन दूंगा। पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? पहली बात तो यह कि खान अकेडमी पाकिस्तान में हर स्टूडेंट को अवेलेबल है और वो चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और जो आपने बात की तो मेरे इल्म में यह भी आया कि उन्होंने इतनी बड़ी ऑफर को ठुकराई, ऐसा यूनिक आइडिया कि वो इतने अच्छा सोचते हैं लोगों के, उतने ज़बरदस्त वो एक एक्शन लिया उन्होंने। पाकिस्तान में बहुत सारे, बल्कि पाकिस्तान का हर बंदा इस अकेडमी से ऑनलाइन ले सकता है लेक्चर्स, फ्री फैसिलिटीज ले सकता है। पाकिस्तान से कोई ऐसा यूट्यूब चैनल या कोई ऐसी अकेडमी जो फ्री लेक्चर देती हो, मतलब और वो भी इस लेवल पे, ये वो दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल चैनल है तो इस लेवल पे आके कोई देता हो? वैसे माफ करना, पाकिस्तान के एजुकेशनल सेक्टर में उतना एक पावर नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जा पहुँच सके। आपको शायद आइडिया होगा कि हमारे इंटरमीडिएट की कोर्सेज 1980s की कोर्सेज हैं और हमारी यूनिवर्सिटी की कोर्सेज जो हम करंटली पढ़ रहे हैं और सम 204-206 तक की कोर्सेज हैं, तो इन कोर्सेज को लेके तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं ना पढ़ा सकते, तो ये एक इशू है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए या है, तो मैं नहीं समझता हूँ अभी तक कोई इस तरह का क्वालिटी का, इस क्वालिटी का और इस स्टैंडर्ड का कोई है प्लेटफॉर्म, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। ये अगर इंडिया में ये है, आपको नहीं लगता कि उनकी यूथ को बहुत फ़ायदा हो रहा है? वो अपनी जॉब करना चाहें, वो अपना बिजनेस करना चाहें, उसके साथ साथ वो एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों की मतलब ये लेक करता है, पाकिस्तान इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लेक करता है। इंडियन तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी आगे हैं उनसे, वो कंप्यूटर के शोबे में बहुत आगे हैं, IT में भी आगे हैं। वो आप जो ऑनलाइन न्यू कोर्सेज हैं क्रिप्टो करेंसीज में या फिर NFTs के या Web3 के एज में भी, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई अभी तक विजन नहीं बनाया गया, ट्रेंड नहीं बनाया गया। बिल्कुल भी ऐसी बात है। देखें जी, जब हम विजन बनाएंगे, ट्रेंड बनाएंगे पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेट्स सपोज अगर आप किसी चीज़ के हवाले से नॉलेज रखते हैं, अब अपना YouTube चैनल बनाएं और वो नॉलेज लोगों को दें, लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है अगर हम नॉलेज रखते हैं, हम कहते हैं पहले पैसे किस तरीके से आएंगे, उसके बाद हम स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे। अच्छा लगा बात करके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ओपिनियन खान सर के हवाले से, ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से आप तक पहुँचाई। और इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि अकेला बंदा क्या कर सकता है इतनी बड़ी सोसाइटी के लिए, तो उन लोगों के लिए खान सर एक एग्जाम्पल है और हमारे जैसे लोगों के लिए वो एक मोटिवेशन है। पाकिस्तान में भी नो डाउट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनके जो कोर्सेज हैं उसके लिए प्रॉपर फीस देनी पड़ती है, अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। और मेरी ये ओपिनियन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सा है वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंडिविजुअल्स आगे आएँ जो पाकिस्तान के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, एजुकेशन को बेहतर करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स पे बनाएं, ऐसे चैनल्स बनाएं जिससे पाकिस्तान की पब्लिक को फायदा हो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।